हाँ देखिए 3.3 का फोर्थ पिक्चर है, उसमें क्या दिया है, इन एन एपी, एक एपी है जिसमें 19th टर्म इज स्किप्टेड, यानी T1 T2 रहता है ना, ऐसे 19th टर्म जो आने वाला है वो 52 है बोल दे, और 38th टर्म आगे चल के 38th टर्म आएगा वो बोल दे 128, यानी 19th टर्म है 52, 38th टर्म है 128, पहला दूसरा तीसरा चौथा कोई टर्म पता नहीं है, बस बीच वाले दो टर्म पता है। तो क्या पूछा है, फिर पूछा है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 56 टर्म्स, पहले 56 टर्म का सम बताओ, यानी सम बताना है तो उसको बोलेंगे हम यस 56, यानी सम ऑफ 56 टर्म्स, और ये कब कैलकुलेट करेंगे उसके लिए एसएन का फार्मूला एन बाय 2 2a प्लस एन माइनस 1d। अब आपको सम कितना निकालना है 56 टर्म्स का, तो एन की वैल्यू है 56 बाय 2, और यहां पे भी 2 लेकिन अब कड़े अटक गई क्योंकि ए नहीं पता, एन पता है एन कितना है 56 लेकिन डी नहीं पता, ए और डी नहीं पता है हम सॉल्व नहीं कर सकते, जबकि हमें पता है कि 56 टर्म का सम था, एन की वैल्यू 56 बाय 2, 56 माइनस 1, डी और ए नहीं पता, तो सबसे पहले ए और डी पता होगा, कैसे पता करेंगे हम अपने मन से लिखेंगे, लेट ए बी द फर्स्ट टर्म, ए बी द फर्स्ट टर्म एंड डी बी द कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस इन एन एपी, एक एपी है जिसमें फर्स्ट टर्म ए है और कॉमन डिफरेंस डी है, फिलहाल दोनों पता नहीं हमने लिख दिया, हम आपको दिया क्या क्या है, दिया है 19th टर्म दिया है, ये गिवन दिख रहा है, ये गिवन है क्या है 19th टर्म 52, 38th टर्म 120, इतना हमें दिया है, और सर इस बस इतनी ही बात आपको पता है, इस इंफॉर्मेशन से हम क्या निकालेंगे, ए और बी निकालेंगे, याद रखना ये प्रॉब्लम अपना पिछले एक्सरसाइज में हो चुका है, ये अपनी थर्ड एक्सरसाइज है, थर्ड एक्सरसाइज 3.2 में ऐसा ही प्रॉब्लम हो चुका है, और उसमें ए और डी हमने निकाला है, सेम वही प्रॉब्लम है, बस यहाँ पे 19 और 30 टर्म है उसमें कुछ और थे, कैसे कर देते हैं, देखो आपको टीएन का फॉर्मूला पता है ए प्लस एन माइनस वन, अब आप क्या करो पहले एन की वैल्यू पुट करो 19, पहले 19 पुट करो, तो टी एन की वैल्यू 19, ए नहीं पता एन की वैल्यू 19 माइनस वन और डी नहीं पता, देखो ए भी और डी दोनों नहीं पता, एन की वैल्यू 19 पुट करना यहाँ पे, तो ये होगा ए प्लस 18d, ए प्लस 18d, बताओ टी 19th टर्म कितना है, 19th टर्म है 52, ये बन गया आपका फर्स्ट इक्वेशन, इसको थोड़ा ऐसा लिखो ऐसा, यानी इसे इधर इसे उधर, ये हो गया पहला इक्वेशन, अब दूसरा, अब क्या करेंगे, अब पुट करेंगे, अब एन की वैल्यू हम 38 पुट करेंगे, चलो करो इसी में पुट करना, एन की वैल्यू 38, ए नहीं पता 38 माइनस 1 और डी नहीं पता, थोड़ा सॉल्व करो ए प्लस 37d, अब बताओ 38 टर्म हमें पता है कितना है 128, ये मिल गया सेकंड इक्वेशन, थोड़ा एक काम करो इसको इधर लिखो उसको उधर लिखो, क्या हो गया नंबर 2, अब आप इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करो, कैसे सॉल्व करते हैं, पहले चैप्टर में पढ़े थे ना लीनियर इक्वेशन, वैसा दोनों इक्वेशन का एडिशन करो या सब्सट्रैक्शन, दोनों इक्वेशन का सब्सट्रैक्शन करो, a plus 18d equal to 52, a plus 37d equal to 120, बताओ सब्सट्रैक्शन किया तो क्या होगा, सबके साइन चेंज, प्लस a माइनस a कैंसिल, 18 माइनस 37 कितना होगा, तो क्या करो प्लस माइनस है सब्सट्रैक्शन करो, 19 दिया था और ग्रेटर नंबर का साइन, तो ग्रेटर नंबर का साइन माइनस है, अब बताओ 52 पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, माइनस करो 8 में से 2 गया 6 और 12 में से 5 गया कितना 7 और ग्रेटर नंबर का साइन तो माइनस 76, और अब बताओ डी की वैल्यू क्या होगी, क्या होगी ये माइनस 19 ने क्या दिया है मल्टीप्लाई, तो क्या करना डिवाइड, मल्टीप्लाई किया तो डिवाइड, तो बोलो कितना आया 19 1 19 4 4, तो कितना है 19 4 76, तो डी की वैल्यू 4 आ गई,
जैसे d की वैल्यू 4 है पुट करो किसी में भी ये मिलेगा, हम पुट करेंगे d की वैल्यू 4 इन इक्वेशन 1 में, किसी में भी पुट करो इसमें। चलो a plus 18 into d की वैल्यू कितनी है 4 equal to 52, बता 18 4 जा 18 दुने 36 18 36 18 चुप 72, ठीक है इसमें d की वैल्यू 4 है ना, तो कितना होता है ये 52, तो a कितना हुआ बताओ, इसमें से क्या करो इसको माइनस, तो a की वैल्यू कितनी होगी माइनस 20, इसका मतलब पहला टर्म नेगेटिव है, फर्स्ट टर्म कैसा है नेगेटिव, यानी इसका मतलब जब भी ये टर्म शुरू हुए थे तो ये यहां से शुरू हुआ था माइनस 20, माइनस 20 पहला टर्म है, डिफरेंस 4 का है, तो ये भी कितना आया था माइनस उधर 16 आया था, प्लस 4 करते जाओ डिफरेंस ऐड करते जाओ, फिर ये माइनस 12 ऐसा करते करते वो फिर वो आगे के टर्म 19 का टर्म कितना आया था 52 और 38 टर्म कितना आया था 120, तो ये वाला टर्म आपको मिल गए। अब आपको क्या बोला फाइंड द सम ऑफ 56 टर्म्स, तो ये n की वैल्यू पता, ये पता नहीं था, अब ये पता चल गया ये कितना है माइनस 20 और डिफरेंस कितना है 4, ए माइनस 20 और डिफरेंस 4, बता n की वैल्यू 56 की सम ऑफ 56 टर्म, n की वैल्यू 56, 56 बाय 2 कितना होता है 28, 22 जा 40 माइनस 40, 56 माइनस 1 55 इनटू 4 कितना होता है बताओ माइनस 40, 55 4 जा कितना होगा 220 होगा, ठीक है अब बताओ कितना होगा, ये 220 और माइनस 40 ये हो गया 180, 220 में से 40 के अब इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करो, जो भी मल्टीप्लिकेशन होगा वही अपना फाइनल आंसर होगा, ठीक है। इस तरह से आप कैलकुलेट करो, इस ये इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन 5040 आया। देखो इस वीडियो का रिपीट देखना, सम ऑफ 56 टर्म्स यानी n की वैल्यू 56, तो n पता था a और d नहीं पता था, तो पहले a और d निकाला हमने, कैसे ये 3.2 का ही प्रॉब्लम है जैसा पहले पढ़े थे, 19 टर्म दिया और 38 टर्म दिया, तो Tn का फॉर्मूला लिखना, n की वैल्यू 19 पुट करना, t 19 पता है तुम्हें 52, कैलकुलेशन करना a और b पता नहीं है, एक इक्वेशन बनेगा, फिर n की वैल्यू 38 देना, इसी में लेना n की वैल्यू 38 माइनस में हां t 38 128 है, इसका भी एक इक्वेशन बनेगा, दोनों इक्वेशन को एडिशन सब्सट्रैक्शन से सॉल्व करना, b मिला बाद में क्या मिला a, और वो मिलने के बाद फिर आप इसमें पुट करना, तो तुम्हें 56 का सम मिल गया। इस तरह से इस वीडियो को डबल देखना लगे तो आप